सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो टेक्निकल अल्ताफ और मेरा नाम है अल्ताफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया जाता है कि प्रोफेशनल डैश वर्ड, तो आपको इसको कैसे हटाना है और कैसे नहीं, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलो जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको आ जाना है अपनी इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम के अंदर आने के बाद आ जाना है आपको यहाँ पे जहाँ प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो थ्री लाइन दिखाई दे रही होगी आपको कॉर्नर के अंदर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपनी सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर जाने के बाद आपको कुछ नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो स्विच योर, आपको अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अकाउंट पे यानी फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे। तो फिर से आपको जाना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है, और आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर से आपको फर्स्ट नंबर अकाउंट पर क्लिक करना है, और फिर से आपको फिर आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा कुछ इस तरह का। तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट को यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ वेट करना है, और फिर आप देख सकते हो कुछ फिर इस तरह से वापस आपको बाहर टेक देगा ये, मतलब ला के रख देगा। तो फिर आपको बैक आके देख लेना है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट यानी डैश प्रो वाला ऑप्शन हट चुका है। तो इस तरह से आप अपना वो ऑप्शन हटा सकते हैं। तो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। आया तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।